बरेली पुलिस के लिए चुनौती बना सीरियल साइको किलर। उसकी गिरफ्तारी के लिए ऑन ऑपरेशन तलाश चलाया गया था, जिसमें 22 पुलिस की टीम के साथ साथ 1.5 लाख मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया गया और घटना स्थल से 25 किलोमीटर के एरिया में 1500 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए। बॉडी बोर्न कैमरों और हिडन कैमरों के साथ सादी वर्दी में पुलिस कर्मी भी तैनात किए गए, मगर चूंकि आरोपी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता था, लिहाजा उसको पकड़ डीडीएचने में इतना समय लग गया। बरेली के थाना नवाबगंज के ग्राम वाले कुलदीप की कहानी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। उसकी 2 सगी बहनें हैं, वह सगी माँ की मृत्यु हो चुकी है। उसके पिता बाबूराम ने उसकी माँ के जीवित रहते समय ही एक अन्य महिला से भी विवाह कर लिया था। कुलदीप का पिता बाबूराम अक्सर अपनी पहली पत्नी के साथ उसकी दूसरी पत्नी के कहने पर मारपीट करता था। इन सब कारणों से अभियुक्त के मन में उसकी सौतेली माँ के प्रति विद्वेष का भाव रहता था। इसके अतिरिक्त अभियुक्त कुलदीप की शादी वर्ष 2014 में हुई थी। वह अपनी पत्नी के साथ भी सामान्य व्यवहार नहीं करता था, जिस कारण विरोध करने पर वह अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट करता था। इस हिंसक प्रवृत्ति के कारण परेशान होकर कुछ वर्ष पूर्व उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई थी। इन्हीं कारणों से कुंठित होकर भांग सुल्फा शराब आदि का सेवन करने लगा और अपने घर बाकरगंज से निकलकर आसपास के जंगल गांव-गांव भटकने लगा और सीरियल किलर बन गया। मगर उसने अभी सिर्फ 6 हत्याओं की बात कबूली है। इसके अतिरिक्त 3 हत्याओं में, जिनमें से 2 में पुलिस खुलासा भी कर चुकी है, उनकी पुनः विवेचना की बात एसएसपी ने कही है, जबकि एक अन्य हत्या का मुकदमा ही परिजनों की मर्जी लिखा नहीं गया था। अब 10 सिलसिलेवार हत्याओं के पीछे जुड्डे साइको किलर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के साथ साथ बरेली की दहशत में जी रही जनता ने भी राहत की सांस ली है। जैसा कि आप सभी अवगत है कि वर्ष 2023 और इस वर्ष जुलाई 2024 में थाना शीशगढ़ और थाना शाही अंतर्गत कुल 6 महिलाओं की हत्याओं के केसेस दर्ज थे 302 IPC के अंतर्गत, जिनका अनावरण नहीं हुआ था। हम लोगों ने इसके लिए, इनके अनावरण के लिए एक टीम गठित की थी और उस टीम को एक ऑपरेशन तलाश का टारगेट दिया गया था, जिसमें हम लोगों को पकड़ना था उस व्यक्ति को या उन व्यक्तियों को जिनके द्वारा ये घटनाएँ कारित की गई हैं। हम लोगों ने आज इन घटनाओं का अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इन सभी घटनाओं में एक ही अभियुक्त शामिल था, जिसका नाम है कुलदीप पुत्र बाबूराम। कुलदीप पुत्र बाबूराम गांव बाकरगंज थाना नवाबगंज जनपद बरेली का ही रहने वाला है। इसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। इससे कल शाम को 6 बजे इसको गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। तब से लेकर अब तक इससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इसके द्वारा ये 6 की 6 घटनाएँ कारित की गई। इन 6 घटना स्थलों पे ये पुलिस को लेके गया है। इसके द्वारा एग्जैक्ट घटना स्थल दिखाया गया है कि किस जगह पे इसने घटना कारित की। घटना कारित करने का तरीका भी इसके द्वारा बताया गया है। उन सब की हम लोगों ने वीडियोग्राफी की है, जो कि एविडेंस के रूप में विवेचना के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। इसका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, वो ये पता चला है कि इसके पिताजी की 2 शादियाँ हुई थी और जो इसकी सगी माँ थी उनके साथ इसके पिताजी के द्वारा मारपीट की जाती थी। कुछ समय ऐसा था जब इसकी सगी माँ और सौतेली माँ दोनों उसी घर में रहती थी। उस दौरान इसके पिताजी के द्वारा इसकी माँ के साथ मारपीट की गई, कई बार मारपीट की गई, जिसके लिए अपनी सौतेली माँ को दोषी मानता था। उसके बाद वर्ष 2014 में इसकी शादी हुई। इसका जो हिंसक नेचर था वो अपनी पत्नी के साथ भी जारी रहा और कई बार ऐसा हुआ कि ये हिंसक हुआ और इसने अपनी पत्नी के गले को भी दबाने का प्रयास किया। ये उनसे बातचीत में ये बात तस्दीक हुई है, जिसके फलस्वरूप इसकी पत्नी इसको कुछ साल बाद छोड़ के चली गई और उसके बाद महिलाओं के प्रति इसके दिमाग में द्वेष और कुंठा और अधिक बढ़ गई। जो पिछले 1.25 साल में इसके द्वारा घटनाएँ की गई हैं उसके बारे में, इसके ये लगभग एक ही एरिया है जिसमें घटनाएँ कारित हुई, 6 की 6 घटनाएँ। वहीं पर 3 गाँव हैं, उन 3 गांवों में इसके 2 गांव में इसकी बहनें हैं और 1 गांव में इसके एक रिश्तेदार हैं। ये उन 3 में से किसी एक गांव में अपना ठिकाना ढूंढता था और उसके बाद, क्योंकि वहां लोकल रहने वाला है, वहां का एरिया बहुत अच्छे से जानता है, दिन में ये पगडंडियों के रास्ते, चक्रोड़ के रास्ते खेत घूमता था और ऐसा स्थान चिन्हित करके ये देखता बेसिकली ये था कि किस खेत में अकेली महिला है जो काम कर रही है, क्योंकि दिन में महिलाएँ अक्सर जाती हैं चारा काटने के लिए या खेत में काम करने के लिए, और ऐसी महिलाओं को टारगेट करके ये उनसे उनके पास पहुंचता था, या अगर इसको कहीं पगडंडी पे रास्ते पे महिला मिली तो ये महिलाओं से बातचीत करने में बहुत सहज तरीके से बातचीत करता है। इसके कुछ वीडियोस भी हमारे पास हैं जिसमें अनजान महिलाओं से
पुलिया पे बैठ के बातचीत कर रहा है, तो ये बहुत सहज तरीके से बातचीत करता था और उनको सुनसान जगह पे ले जाके, जो थोड़ा 10-20 मीटर दूर खेत में ले जाके उनसे सेक्सुअल फेवर्स के लिए अप्रोच करता था। जैसे ही महिला ने विरोध किया या महिला ने मना किया तो ये तत्काल बहुत एग्रेसिव हो जाता है, हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और इसके द्वारा उनका गला दबाते हुए और उनकी साड़ी के पल्लू से और एक केस में जिसमें महिला ने सूट सलवार पहन रखा था उसमें उनकी चुनरी को इस्तेमाल करते हुए उनका गला दबाते हुए बाई तरफ गांठ इसके द्वारा मारी गई। इस तरीके से इसके द्वारा ये घटनाएँ कारित की गई। हम लोगों ने बहुत कुल 6 घटनाएं अभी हैं जिन घटनास्थलों पर, क्योंकि हमारे पास हमें इसको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना था, कुल 6 घटनाएं हैं जिसके बारे में हम इसको घटनास्थल पर ले जाकर हमने तस्दीक कर लिया है ये घटना इसने कहां पे की, किस तरीके से की, कब की। एक और चीज़ सामने आई है कि ये हर घटनास्थल से एक ट्रॉफी के रूप में, जो कि इस तरह के अपराधियों का एक की फीचर देखा गया है, कुछ ना कुछ लेके जाता था। और उसमें ये 2 केसेस में जो हसिया महिला के पास थी, महिला ने जब विरोध किया तो उसी हसिया को ये लेके गया, वो दोनों बरामद कर ली गई हैं। एक केस में ये एक ब्लाउज का टुकड़ा और लिपस्टिक और बिंदी ये लेके गया, वो भी इसने जहाँ पे उसको ये रखता था वो बरामद कर लिया गया है। एक आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। अभी हम लोग इससे और विस्तृत पूछताछ करेंगे। 3 और घटनाएं हैं जो सिमिलर मॉडस ऑफ के साथ हुई है, जिसमें पूर्व में जो वर्कआउट हो चुकी हैं जिनमें लोग जेल गए थे, उसके बारे में इसको रिमांड पे लेके, PCR पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेके, क्योंकि जिस तरह का इसका मॉडस ऑफरेंडी है हम लोग बहुत विस्तृत रूप से इससे पूछताछ करने की आवश्यकता है। तो PCR पे रिक्वेस्ट करके और तब इससे और डीपली पूछताछ की जाएगी और घटनास्थलों पे भी इसको लेके जाएंगे।